दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन पे बार बार एड्स आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप उनको हटाओगे। सबसे पहले दोस्तों आपको चल जाना अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है एप्स में। एप्स में जाने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले ये देखना है कि कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके के ऐप आते हैं जिसका नाम नहीं होता और लोगो भी व्हाइट कलर का होता है, और आप जैसे ही सेटिंग में जाओगे तो वो व्हाइट कलर में पीछे छुप जाएगा और आपको दिखेगा नहीं। तो आपको हमेशा देखना है कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है। उस ऐप को हैंड टू हैंड आपको अनइंस्टॉल कर देना अगर आपके मोबाइल में हो तो, और वो आ जाता है ऐप ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में, क्योंकि आप कोई भी ब्राउजर पे जाके सर्व करते हो तो वो ऑटोमेटिक आपके फोन में आके इंस्टॉल हो जाता है। तो सबसे पहले उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, पर उससे पहले एक बात, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट भी करना कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो, बाकी लाइक तो आप कर ही दोगे। तो अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दोस्तों वापस आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है गूगल में। गूगल में जाने के बाद आपको जाना है मैनेज गूगल अकाउंट में। इस पे जाने के बाद दोस्तों आपको साइड में ऑप्शन दिखेगा डेटा एंड प्राइवेसी, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे के साइड आना है, फिर उधर आपको दिखेगा एड सेंटर, आपको उस पर क्लिक करके उसको ऑफ कर देना है, क्योंकि कुछ लोग उसको ऑन रखते हैं तो उसकी वजह से भी ऐड आते हैं, प्ले स्टोर के ऐड आते हैं, तो उसको भी बंद कर देना और जाके वो ऐप भी देख लेना कोई ऐसा ऐप तो नहीं है आपकी ऐप लिस्ट में जिसका नाम नहीं हो, वो आपको बार बार ऐड दिखाता है। तो ये दोनों ट्रिक करने के बाद 101% आपको कभी भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर ऐड देखने को नहीं मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।